हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफ़र काफिराना। माय नेम इज़ शमशेर और आज हम एक बड़े ही खूबसूरत शहर में, जहां दुनिया का सबसे खूबसूरत अजूबा है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, हम आ चुके हैं आगरा में और हम जा रहे हैं अपने फर्स्ट स्पॉट ताजमहल की ओर, जिसे हम विज़िट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रेवल गाइड। इस वीडियो में हम आपको कुछ अननोन फैक्ट्स अबाउट ताजमहल भी बताएंगे, बट ये वीडियो के एंड में होंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये ताजमहल का कोर्टयार्ड है। कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड एंट्रेंस, कोर्टयार्ड मतलब कोर्टयार्ड में सराय, सराय। अच्छा, एंट्रेंस के जो गेट है, ताज के थ्री गेट है। फर्स्ट द ईस्टर्न गेट, सेकंड द वेस्ट गेट एंड थर्ड साउथ गेट। मोस्टली जो एंट्री ईस्ट गेट से होती है, वीआईपी गेट है। अच्छा, साउथ इज द लेबर कॉलोनी गेट, जो मुगल टाइम में ताज के अंदर लेबर जो काम किया करती थी, बैक साइड रहा करती थी। बाकी ये छोटे रूम बने हैं चारों तरफ, 210 रूम्स हैं। 210 मुगल टाइम में होटल नहीं थे, तो बाहर से लोग आते थे काम करने, जो भी आते थे। उनको सिक्योरिटी यूज करती है ऑफिस। ताज का मेन एंट्रेंस गेट है सामने वाला। अच्छा, इस गेट की हाइट 105 फीट। 105 फीट ऊपर जो वाइट डोम है, छोटे डोम, 11 फ्रंट में है, 11 अदर साइड। हाँ, मैंने गिने थे 22 डोम्स हैं, जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि ताजमहल को बनने में 22 इयर्स लगे। अच्छा, ये वन डोम उसी टाइम, यानी शाहजहां ने पहले ही 22 बनाए थे। जो राइटिंग है ना, ब्लैक राइटिंग, काली काली राइटिंग, एक्चुअली दूर से देखने में पेंटिंग लगती है, पर पेंटिंग नहीं, ऑनिक्स पत्थर है जिससे गोल्ड टेस्ट करते हैं। ये मैन गेट से लेके ताज के आउटसाइड इनसाइड 14 चैप्टर हैं, जो सारी लैंग्वेज है वो सारा अरबिक में है। हाँ, ये तो अरबिक है। ये जितने भी कुरान की आयतें हैं, इसका राइटर था अमानत खान सिराजी, जो कि ईरान से आया था। अच्छा, ताज का जो मेन आर्किटेक्ट था, पहले जो जितने भी आर्किटेक्ट मैंने देखे, ये ज़्यादातर मैंने देखा ईरान, बगदाद, टर्की। हाँ, टर्की होते ज़्यादातर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आज भी वर्ल्ड में सबसे टॉप की जो आर्किटेक्चर में है टर्की। नहीं, इंडिया में जितने मुगलई जो बना हुआ है, जो मोस्टली देखा टर्की सी है सारा का सारा, उसमें है ना, ज्यादातर उस टर्की साइड। और इस समय ताजमहल बनाने पे जो कॉस्ट आई थी, वो आई थी 4 करोड़। अच्छा, और बहुत से लोग बोलते हैं कि ताजमहल जिन लोगों ने बनाया उनके हाथ काट दिए गए। अच्छा, तो ये एक्चुअली हाथ किसी के नहीं काटे गए, उनके साथ एक एग्रीमेंट किया गया था कि आज के बाद आप लोग दोबारा से बिल्डिंग नहीं बनाओगे, जो पैसा है मैं आपको दूंगा, वो एक बॉन्ड था, ना कि हाथ काटे गए। अच्छा, आज भी आउटसाइड जो वर्क होता है बाहर साइड में, आज भी इसको 90% मुस्लिम फैमिली करती है, और वही जनरेशन आज भी चली आ रही है। क्या करती है 90% मुस्लिम? आज भी जितना भी जो वर्क है, इनले वर्क जो है, अच्छा, आज इसको 90% मुस्लिम फैमिली ही करती। अच्छा, है। अच्छा, ये वर्क पर कई जगह मिल जाएंगे, राजस्थान वगैरह हर जगह। हाँ, ये तो सब हिंदू कर लेते हैं। हाँ, जो इनले वर्क है ना, फूल पत्तियाँ बनी हुई है। हाँ, इसको इनले वर्क बोलते हैं, इनले, इनले। हाँ, कुछ लोग उसे मीनाकारी भी बोलते हैं। ये बहुत टफ वर्क होता है, आज भी इस वर्क को हैंड से करना पड़ता, मशीन से नहीं होता। तो आज भी सारा मुस्लिम लोग ही करते हैं। और ताज पर जो कॉस्ट आई थी, वो आई थी 4 करोड़ उस समय। और शाहजहाँ की 3 वाइफ थी, फर्स्ट वाइफ सरिंदी बेगम, सेकंड वाइफ फतेहपुरी बेगम एंड थर्ड वाइफ मुमताज, जिनके लिए ताजमहल बनाया गया। फर्स्ट एंड सेकंड वाइफ से कोई बच्चे नहीं थे, जो बच्चे थे मुमताज। अच्छा, है ना। ये ताज का सेंट्रल लाइन, ताज की जो सबसे मेन ब्यूटी है, परफेक्ट सिमेट्री। कौन सी लाइन? ये जो लाइन है, हाँ? आगे जाके फाउंटेन लाइन है, ये सेंटर है ताज का। अच्छा, इस लाइन से अगर ताजमहल को दो पार्ट में डिवाइड कर दो आप, तो राइट एंड लेफ्ट जो भी स्ट्रक्चर है वो एक जैसा। अच्छा, एवरीथिंग सिमेट्री इनसाइड ग्रेप। अच्छा, कवर है मुमताज की ना, वहाँ तक, मतलब वो पूरा इस दो पार्ट कर दो, पूरे ताजमहल को नदी तक, और जो बैक साइड एक फाउंडेशन है ना ब्लैक ताजमहल का, वो भी उसके इसी सेंटर है पूरा, परफेक्ट। इस ताज की सबसे जो मेन ब्यूटी है वो है परफेक्ट सिमेट्री। अच्छा, ये फाउंटेन जो लाइन है, ताजमहल का सेंटर लाइन है, है ना, जो बाहर लाइन थी ना, क्योंकि वो तो बाहर की लाइन तो अभी बनी है, मेन तो फाउंटेन ही है, तो पुराने हैं, मुगल टाइम के हैं, है ना। ये फाउंटेन इस समय चलते हैं इलेक्ट्रिक से, पर ये फाउंटेन मुगल टाइम में चलते थे प्रेशर से, क्योंकि 400 ईयर्स में लाइट नहीं थी। लेफ्ट एक बिल्डिंग है, मस्जिद है, मस्जिद के बैक साइड में पानी की टैंक है, पहले पानी टैंक को मैं स्टॉक होता था,
तो प्रेशर से पानी जब नीचे जाता था तो ये फाउंटेन अपने आप में पहुँचा था। तो वाइट बिल्डिंग है ये ताज की मेन बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 243 फीट बॉटम टू टॉप। 243 बॉटम टू टॉप 24 फ्लोर हाइट है ताज की, 24 मंजिल। अच्छा। और टॉप पर जो ब्रास है ना पीतल का, हाँ हाँ, उस ब्रास का हाइट है 32 फीट। अच्छा, ब्रास का हाइट 32 फीट मंजिल हाइट है उसका। अच्छा। उसका वेट है 7 टन ब्रास का। कितना? 7 टन। 7 टन 7000 किलो। और ब्रास के अंदर एक मून है, देखिए चांद बना हुआ है टॉप का, देखिए। और ब्रास का जो ब्रिथ है, चौड़ाई है, डायमीटर समथिंग है जो मून का, वो 5 फीट। इतना बड़ा है मून जो देखने में यहाँ से 1 फीट लगा है, क्योंकि आप लोग दूर हैं, हाइट ज़्यादा है। ये जितने भी जो ब्रास लगे हैं, सारा ब्रास मुगल टाइम में सारा गोल्ड था, इसको ब्रिटिश लोग उतार के ले गए बाद में लाए गए। और जो फोर टावर है ना, ये दिखने में स्ट्रेट लगते हैं, चारों ही टावर 2 डिग्री लीनिंग है। वो इसलिए कि कभी अगर अर्थ कोई आता है तो बिल्डिंग के ऊपर न गिरे, जब भी गिरे आउटसाइड, जिससे बिल्डिंग सेफ रहे। जो पिलर्स हैं, पिलर्स की हाइट है 165 फीट। इस पिलर्स में ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसको बंद किया हुआ है। मैंने इसलिए किया कि आज से 35 ईयर्स पहले कुछ लोगों ने ऊपर से सुसाइड किया, तो गवर्नमेंट ने चारों ही टावर्स बंद कर रखे। जो वाइट मार्बल है सर, ये उस समय आया था राजस्थान मकराना, जो यहाँ से 350 किलोमीटर दूर है। जो रेड स्टोन जिस पर आप लोग खड़े हैं, जो लोकल नागरे का, ये फतेहपुर सीकरी है, 35 फीट दूर, ये वहाँ से लाया गया। लेफ्ट एक बिल्डिंग है, मस्जिद है। मस्जिद को साइड इसलिए बनाया गया क्योंकि मक्का वेस्ट फेस में है। इंडिया में जितनी भी मॉस्क होती हैं सारी वेस्ट फेस होती हैं। उस मॉस्क को वैसे नाम दिया गया शाहजहानी मस्जिद, क्योंकि शाहजहाँ फ्राइडे के दिन कभी कभी नमाज के लिए आते थे। अभी यहाँ हर फ्राइडे को नमाज होती है, ओनली जो मुस्लिम हैं वही अलग होते हैं, बाकी फ्राइडे को ताज को बंद रखते हैं। एवरी फ्राइडे ताजमहल बंद होता है, वो भी लोकल मुस्लिम ओनली, ऐसा नहीं पूरे हिंदुस्तान के, ओनली लोकल आगरा। अच्छा, हम लोग आएंगे तो हमें अभी एंट्री नहीं देंगे। आगरा क्या आगरी आईडी क्यों आगरा के लिए फ्री किया गया ना, कि सब लोग के लिए किया गया। एंड द राइट साइड जो बिल्डिंग है सीधे यहाँ पर, उस बिल्डिंग को नाम दिया गेस्ट हाउस। मैंने इस वाइट बिल्डिंग का बैलेंस एंड सिमेट्रिक इस बिल्डिंग को बनाया। दोनों ही बोथ बिल्डिंग सेम एक जैसी, दोनों ही ओपन है, अंदर से खाली होती हैं, है ना। और आपने सुना हुआ ताजमहल को लोग मून लाइट में देखने आते हैं? हाँ हाँ, मैंने सुना रात को एकदम ब्लू टाइप में चमकता है। यहीं तक आते हैं, यहाँ तक। अच्छा, यहीं तक, इससे आगे नहीं, बस यहाँ तक है। ये दिखा दूँ फ्रेम करके, मून लाइट में गवर्नमेंट यहाँ तक अलाउ करती है प्लेटफॉर्म पर, रेड प्लेटफॉर्म। अच्छा, यहीं तक अलाउ करती है। और टाइम लिमिट होती है 30 मिनट्स, और लिमिटेड लोग अलाउ होते हैं यहाँ पर, 400 लोग एक दिन के अंदर। और मून लाइट 5 डेज होती है, जिस दिन फुल मून होता है 2 दिन पहले 2 दिन बाद। अच्छा, फुल मून नाइट को नहीं आने देते? नहीं, फुल मून जिस दिन है उससे 2 दिन पहले 2 दिन बाद, 5 डेज ओनली मून लाइट होती है ना, 2 दिन पहले 2 दिन बाद, 5 दिन हो गए ना हर महीने में। और टिकट आपको एक दिन पहले बुक करना पड़ता है, सेम डे टिकट नहीं मिलती इसमें। अच्छा, है ना। और वो टिकट जो मिलती है आपको, उस टिकट पर नाम भी होगा, टाइम भी लिखा होगा आपका, रात के 8 बजे का एंट्री मिलती है, 8 बजे। लेकिन मून लाइट जो होती थी वो होती थी रियलिटी में आज से 25-30 साल पहले। अच्छा, इस समय क्या है गवर्नमेंट, तो अब जो ताजमहल का व्यू जो पहले जैसे मून लाइट में एकदम ब्लू ब्लू टाइप चमकता था, तो अब नहीं, ब्लू ब्लू नहीं होता वैसा। एक्चुअली मून लाइट के बारे में 90% लोगों को मालूम ही नहीं मून लाइट होती है, क्योंकि जो पहले देखा हूँ उनको मालूम, बाकी लोगों को नहीं मालूम मून लाइट है, क्योंकि मून लाइट देखी नहीं किसी ने पहले। ठीक है, मून लाइट थोड़ी होती है यहाँ देखते हैं। हाँ, मून लाइट होती है आपसे 20-25 साल पहले। अच्छा, जब गवर्नमेंट आपको वहाँ पर अलाउ करती है वाइट बिल्डिंग। अच्छा, है ना। तो उस समय मून लाइट होती थी साल में केवल एक ही दिन। अच्छा, ऐसे 25 साल पहले बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, पहले साल में एक दिन मून लाइट होती थी, जो सबसे बड़ी जो कही जाती है पूर्णमासी कही जाती है, सबसे बड़ी रोशनी होती है, मतलब बड़ा दिन होता है। हर महीने जो फुल मून होता है ना, एक साल का दिन होता है जिससे सबसे अच्छी रोशनी होती है। अच्छा, जैसे अभी हर महीने बता रहे हो, तो अभी हर महीने कौन से दिन को फुल नाइट होता है, कुछ ऐसा कुछ आइडिया होता है या फिर क्या सर? जरा अभी जैसे आप बोल रहे हो ना हर महीने फुल नाइट होती है, तो वो कौन से डेज में अलाउ होता है पब्लिक? नहीं, जैसे अब जैसे जिस दिन फुल मून होता है, जैसे चंद्रमा फुल होता है ना, चंद्रमा से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद 5 डेज तक की टिकट मिलती है। मुझे सब मालूम पड़ा था कि फुल मून कब है, जैसे 15 दिन बाद काली काली आधी रात रहती है, उसका रोशनी बढ़ती है ना जब चंद्रमा फुल होता है, तो उस पर डिपेंड करता है वो, तो डेट मालूम पड़ जाती है कि कब है। और वो आप साइट पे जाएंगे तो वो भी पता देता है, कब टिकट है। टिकट लेना एक आपको पहले बुक करनी पड़ेगी, आप चाहें कि मैं उस दिन टिकट लेना चाहूँ तो टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एंट्री नाम वाम सब कुछ दिखाता है, पहले फिक्स होता है कि इतने लोग आने वाले हैं, उनको मालूम पड़ता है स्टाफ को, आज इतने लोग आएंगे कल इतने लोग आएंगे, है ना। तो मून लाइट होती क्या थी, ये जो ब्लैक ऑन से जो कुरान की आयत है लिखी हुई सामने वाली, वाइट जो मार्बल लगा हुआ है सामने, इन सबको छोड़कर इसमें जो आर्ट्स बने, छोटे आर्ट्स और बड़े आर्ट्स बने हुए हैं, हाँ हाँ,
इनार्स के ऊपर जो फूल पत्तियां बनी हुई है रेड ग्रीन व्हाइट, हाँ जैसे यहाँ भी सामने भी गेट पे बनी थी, हाँ ना, ये एक्चुअली इनले वर्क है ये, है ना, ये सारे स्टोन एक्चुअली जब फुल मून जब लाइट होती है, लाइट जब स्टोन में गिरती है रात में, तो उस समय स्टोन शाइनिंग करते हैं मिल्की बल्ब, जो दुधिया बल्ब होता है ना लाइट में घर में जलता है ना हमारे, उस तरह चमकते हैं, लेकिन वो चीज़ वहाँ से नहीं दिखाई देती। अच्छा, वो चीज़ दिखाई देती है आपको व्हाइट बिल्डिंग पर चढ़ने के बाद, ओके, है ना, जो कि अलाउ नहीं है, जो कि अलाउ नहीं है। और जो सनलाइट है सूरज की लाइट सर, जब ये लाइट गिरती तेजी से स्टोन पे ना, तो ये कभी कभी स्टोन स्पार्क करते हैं एज ए मिरर, शीशा होता है ना, आपको शीशे लगे हुए हैं। ऊपर व्हाइट डोम देखें, बड़ा डोम, हाँ हाँ, डोम में छोटी रिंग्स है, देखिए काले काले हुक्स लगे हुए हैं। अच्छा, ये रिंग्स है, ओ काले काले हुक्स, हाँ हाँ हाँ, कल तो मैंने देखे, देखने में बहुत छोटी दिखाई थी, इसको 1.2 इंच की है ना, और ये 1 फीट चौड़ी है, ठीक है, 1 फीट इतनी बड़ी है रिंग्स, जब क्लीनिंग होती है ना इस पर आदमी सिट बैठ भी जाता है। ओ, इतनी बड़ी है, वन, ये साइज सर इसका 1 फीट, यस सर, वो देखें छोटी दिखाई दी आपको इतनी बड़ी, ओके, एक्चुअली हाइट ज़्यादा है इसकी सर इतनी, और जब बारिश होती है ना पानी ऊपर से गिरता है ना, आउटसाइड से नालियाँ हैं बाहर निकली, देख रहे पनारे से बने हैं दिखाई दे रहे बेटा, बाहर पानी से ये निकले पाइप से निकले दिखाई दे रहे हो आप, पानी गिरता फर्स्ट है यहाँ छोटी नाली है, वहाँ से पानी गिरता है स्टॉन पर बैठ के आप जाओगे तो वहाँ हर जगह होल मिलेंगे जमीन में, जगह होल द्वारा पानी है देखे तो फिर होल द्वारा पानी सब नीचे आता है, तो एग्जिट करते हैं वहाँ से सारा पानी वहाँ से बाहर निकलता है और गार्डन में सप्लाई होता है, मेन हार्वेस्टिंग जो भी है पानी गार्डन में जाता है वेस्टेज भी होता है। और ये जो आप देख रहे हैं नीचे का पार्ट देखा आपने, तालमेल का नीचे का पार्ट वाइट वाइट है, ऊपर का वाइट जो डोम है वो इसका येलो दिखाई दे रहा है, वो इसलिए है तालमेल को क्लीन किया जाता है, रात की जो क्लीनिंग की जाती है वो की जाती है मुल्तानी मिट्टी से, मुल्तानी मिट्टी का जो पेस्ट है वो उसके ऊपर लगा दिया जाता है, ओके, मिट्टी जब 4-5 दिन में सूख जाती है तो झड़ जाती है, तो पानी से धीमे धीमे इसे क्लीन करते हैं, तो क्लीनिंग के बाद ये मार्बल वाइट रहता है। ताजमहल को क्लीन होने में 3 से 4 साल लगते हैं पूरे ताजमहल को, और क्लीनिंग का जो अंतर होता है वो 20 से 25 साल, तो पिछले साल 3 कंटिन्यू 4 साल काम चला है ना, 1 साल बीच में बंद हो गया वो कोरोना के चक्कर में, ये तो आपका डोम भी पूरा क्लीन हो गया होगा, तो जब भी क्लीनिंग है सर इसकी मुल्तानी मिट्टी से ही किया जाती है। देखो स्टोन आपको मैं दिखाऊंगा जैसे कल थी कितनी, वैसे पब्लिक कोई आइडिया आप लोगों को, कल होगी 35 के आसपास, अच्छा 35 के आसपास, 30-35 के आसपास पहुंचनी होगी, हाँ अगर ये डेली डेली भी हो जाए, तो बच्चे काउंट नहीं होते उसमें, जो काउंट गवर्नमेंट वो जो डाटा वो देती है आपको टिकट काउंटिंग उसका देती है, बच्चे फ्री होते हैं 14 ईयर्स तक, अच्छा 14 ईयर्स से बच्चे फ्री हैं, फ्री हैं, और जो पूरा जो ताजमहल का जो कैंपस जो एरिया है ना 30 एकड़ से खड़ा है साथ एकड़ में, ओके, राजा जय सिंह थे जयपुर के राजा, ये उनका एक गार्डन था ताज बनने से पहले, तो शाहजहां द्वारा उस समय ज़मीन को खरीदा गया, अलग से उनको 5 हवेली दी गई थी इस ज़मीन के बदले में, राजा सिंह को, और मुमताज जिनकी याद में ये ताजमहल जो बनाया गया उनका जन्म हुआ था 1592 एंड 1612 में मुमताज की मैरिज हुई, जिस समय मैरिज हुई उनकी जो एज थी 20 ईयर्स थी, मुमताज का जो रियल नेम था उनका अर्जुमन बानू, अर्जुमन बानू, तो 1612 में मैरिज हुई एंड 1630 में मुमताज की डेथ हो गई, 18 ईयर्स बाद मैरिज के जो डेथ हुई मुमताज की, उस समय मुमताज ने 14 नंबर चाइल्ड को जन्म दिया, जिसमें से उनके 8 चाइल्ड डेथ हो गए थे, 6 जो लाइव थे जो लड़के थे दारशिको मुराद शुजा औरंगजेब, और जो बेटी थी रोशन आरा और जहान आरा, ताज के अंदर सेंटर में ग्रेव है मुमताज की है ना, लेफ्ट में अंदर ग्रेव है शाहजहाँ की, शाहजहाँ की जो ग्रेव है जो उनकी बेटी थी रोशन आरा और जहान आरा वो उन्होंने बनाई, इसमें मुमताज की शाहजहाँ ने शाहजहाँ की बेटियों ने है ना, तो 1630 जो डेथ हुई मुमताज की वो हुई ब्राहनपुर, ब्रहानपुर पड़ता है MP में यहाँ से 1631 में इस वाइट बिल्डिंग को स्टार्ट किया गया एंड 1653 ये पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हुई, टोटल 22 ईयर्स लगे
जो वाइट बिल्डिंग जो बनी है, इस वाइट बिल्डिंग को बनने में टाइम लगा 17 ईयर्स ताजमहल को, बाकी 5 ईयर्स में द मॉस्क है, गेस्ट हाउस, मेन गेट, बाकी एंट्रेंस। इस वाइट बिल्डिंग को जैसे हम लोग फ्रंट से देखते हैं ना, इसको आप बैक से, लेफ्ट से, राइट से, कहीं से देखो, इस बिल्डिंग चारों तरफ से एक जैसे डायगोनल टाइप का। हाँ, और जो राइटिंग है ना, ब्लैक राइटिंग काली काली की है, इस राइटिंग की क्या ब्यूटी क्या है, राइटिंग को आप यहाँ देखे खड़ोगे या बिल्कुल नज़दीक जाके राइटिंग को आप बॉटम से टॉप देखते हैं तो देखने में आपको सेम दिखाई देगा, जो उसका बॉटम साइड देख रहे हैं वही सेम टॉप साइड है। राइटिंग का चौड़ाई जो है बड़ा सा है नहीं, इस राइटिंग का डिजाइन एक्चुअली बॉटम साइड स्मॉलर है, टॉप साइड बिगर है। वजह है इसकी हाइट, इसकी हाइट है वहाँ से वहाँ तक, वहाँ 80 फीट, अबाउट 7 फ्लोर बिल्डिंग के आसपास, उसे नीचे से इंक्रीज़ किया हुआ है। अगर आप उसको इंक्रीज़ नहीं करेंगे ना तो ये हाइट पे आगे छोटी होती जाएगी, छोटी होगी ना टॉप पर जो लिखा है उसे आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसे बोलते हैं कैलीग्राफी। जितनी भी कुरान की आयतें हैं मैन गेट पर यहाँ लिखी हुई हैं, सारी कैलीग्राफी इंक्रीज करके लिखा हुआ है। ये ब्लैक वाला स्टोन है ऑनिक्स फ्रॉम बेल्जियम, इसमें ग्रीन स्टोन लगा है मलाकाइट फ्रॉम रशिया, एक येलो स्टोन है वो है जैसलमेर, इसमें ब्लू स्टोन है लैपिस लाजुली फ्रॉम अफगानिस्तान, एक वाइट स्टोन है वह है मदर ऑफ पर्ल, एक ऑरेंज स्टोन है वह है कॉर्लनियन फ्रॉम यमन। उस समय ये सारे स्टोन यात्रा बाहर चलाए गए थे सारे, और ताजमहल जितना भी जो वर्क है सारा स्टोन वर्क है, पेंटिंग कहीं नहीं है, पूरी वाइट बिल्डिंग है। और जो मेन जो टॉप पर ब्रास लगा ना पीतल का टॉप पर ब्रास के ऊपर जो ब्रास है उसका एक्चुअल साइज यहाँ बना हुआ है फर्श पर, इसलिए ये कि लोगों को ये मालूम पड़ सके इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। ये नदी है यमुना जो कि दिल्ली साइड से आ रही है ना, सामने जो रेड डोम था इस साइड बना हुआ ना, एक डोम सा है लाल पत्थर का, हाँ हाँ, एक वॉल सी बनी है सामने रेड वाली। ये सामने का जो फाउंडेशन है ब्लैक टाउन में। अच्छा, ब्लैक टाउन जो है जब 1653 में वाइट बिल्डिंग बनकर कम्प्लीट हो गई ताजमहल, तो शाहजहाँ सोचा तो मुमताज के लोग ताजमहल एक अपने लिए भी कुछ होना चाहिए ना, तो शाहजहाँ उस समय अपने लिए एक ब्लैक टाउन बना रहे। 1658 में शाहजहाँ उसको स्टार्ट किया, उसी समय उनका लड़का था औरंगजेब, उसने देखा कि फादर सारा पैसा से ही बर्बाद करेंगे, पहले वाइट एक ब्लैक बना रहे हैं। फादर को अरेस्ट किया रेड फोर्ट, 1658 में शाहजहाँ को रेड फोर्ट में अरेस्ट किया गया, 1667 में शाहजहाँ की डेथ हो गई 9 ईयर्स बाद। जब 1658 में शाहजहाँ को रेड फोर्ट में अरेस्ट किया गया तो वहाँ एक मिरर था, उस मिरर से शाहजहाँ वाइट बिल्डिंग को देखते थे। बाकी यहाँ बहुत साल पहले कॉन्सर्ट हुए, सारेगामापा, अंताक्षरी, यानी कॉन्सर्ट, और जो भी शूटिंग आप लोग आगरा में देखते हैं वो 90% शूटिंग नदी के बैक साइड होती है, लेकिन देखने में लगता है फ्रंट साइड। सामने वो आप देख रहे हैं अभी एक जाली सी बनी है, जाली ये सामने नीचे, हाँ हाँ, एक जाली ये है डाउन स्टेयर्स है, एक आगे जाके भी स्टेयर्स बनी है, ये कालका का की फाउंडेशन। अच्छा, ताज का जो फाउंडेशन है इसके नीचे 64 वेल्स हैं, ताजमहल की वेल फाउंडेशन है, 64 वेल्स हैं पानी की कुएं हैं उसके नीचे, उस पर टी कोड एक लकड़ी है, उसके रिंग्स के हरे स्क्रैप्स हैं और उसके ऊपर मेन स्ट्रक्चर है। तो बीच में जो रिंग्स पड़ी हैं उसका मकसद यही था कि कभी अगर अब कोई आता है तो रिंग्स उसको एब्जॉर्ब कर सके। जो मुमताज शाहजहाँ का जो रियल ग्रेव है वो एक्चुअली डाउन फॉल है, इस लेवल पर है हम लोग खड़े ना, जो उसे गवर्नमेंट साल में केवल एक ही बार ओपन करती है, जब यहाँ पर शाहजहाँ की डेथ एनिवर्सरी होती है उस समय ताजमहल 2 दिन फ्री होता है सब लोगों के लिए। तो ऊपर जब आप कल गए होंगे तो वहाँ एक बैरिकेड था, एक जाली थी, जब गवर्नमेंट उस जाली को खोल देती है जिससे आप 20 फीट नीचे तक जा सकते हैं, रियल 20 फीट है यहाँ से नीचे होती है लेवल जो है, तो यहाँ तक जा सकते हैं लेकिन उर्स के टाइम, बाकी वो बंद रहती है। और गवर्नमेंट खोलती इसलिए है क्योंकि उर्स में चढ़ती है चादर, जो साझा और मुमताज के साझा का उर्स बनता है ना। अच्छा, तो साझा की ऊपर चढ़ती है चादर, और चादर चढ़ेगी रियल ग्रेव पर, डमी पर चढ़ेगी नहीं ना, इसलिए हर साल गवर्नमेंट 2 दिन ओपन रखती है, और डेट निश्चित होती है चांद के हिसाब से, क्योंकि डेट कोई फिक्स नहीं होती उसकी, हम कोई क्या डेट फिक्स हो जाता है ऐसा नहीं है, कोई आइडिया किस मंथ में कि पता कर सकते। अप्रैल और मई के आसपास पड़ती है, मई अप्रैल में आती कभी मई में आती है, हर साल 10-11 दिन का अंतर आता है ना उसमें, मुस्लिम कंट्री हिसाब से ना उस हिसाब से वो चलती है। एंड द लास्ट सर, आगरा जो फेमस जाना आता है वो 4 चीज़ फेमस आगरा से, नंबर 1 फेमस आपका ताजमहल का जो वर्क है, इले वर्क
30 क्लस्टर फोटो फ्रेम्स टेबल्स एलिफेंट वगैरह सेल होते हैं बाहर, है ना। ये भी डिपेंड करता है वर्क के ऊपर, जितना फाइन वर्क होगा उतनी कॉस्ट ज़्यादा होगी, जितना कम का होगा वो कम होगी, और डिपेंड करता है स्टोन्स के ऊपर। प्योर स्टोन होंगे वही चीज़ आपको 5000 रुपये मिलेगी, और वैसे स्टोन होंगे देखने में वह चीज़ होगी आपको 1000 रुपये में 800 मिल जाएगी, और दिखने में लगेगी आपको देखने में लगेगी 800 वाली चीज़ बहुत सुंदर लगेगी, और जो 5000 की चीज़ है वो आपको बस बेकार लगेगी, आपको यार जो मज़ा नहीं है इसमें। तो शो का आज के समय बहुत ज़्यादा वो हो गया पर मालूम नहीं पड़ता, लेकिन स्टोन स्टोन होता है और प्लास्टिक प्लास्टिक सी होती है, लेकिन मालूम नहीं पड़ती है प्लास्टिक है, वो स्टोन लगती है आपको देखने में, लेकिन प्लास्टिक सी वो उसको फिनिशिंग ऐसी दी जाती है कि आपको मालूम नहीं पड़ेगा वो है। सेकंड नंबर आगरा फेमस लेदर के लिए है ना, लेदर देखना आपको सदर मार्केट है 5 किलोमीटर दूर, यहाँ पे एक बड़ी कंपनी है टीएसएफ वहाँ प्योर लेदर मिलता है वहाँ पे, लेकिन वो रेट फिक्स होते हैं, उनके 1 रुपये भी कम नहीं करते वो लोग, तो जो रेट है कंपनी का रेट जेन्युइन रेट है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रेट है। टूरिस्ट के लिए कैसा रहता है, टूरिस्ट के लिए भी मतलब हर पब्लिक के लिए जैसा हम लोग जाएंगे हमारे लिए वही रेट है उनके लिए। अच्छा अच्छा फिर ठीक है, अच्छा वेट होता नहीं हो रहा उसका, फिर अच्छा एक्सपोर्ट है बाहर के लिए माल होता है उनका ओके ना। टीएसएफ है, टीएसएफ सदर में है। थर्ड नंबर फेमस आगरा है बैम्बूज वर्क के लिए, बैम्बूज इसलिए कि नदी का बैक साइड ये पार्ट जंगल सा है ना, पूरा इधर वाला जंगल है ना, जंगल है आगरा साइड है, तो यहाँ बैम्बूज की खेती बहुत होती थी, तो बैम्बूज को यहाँ पे कैदी द्वारा बैम्बूज को कूट कर एक फाइबर निकलता है, जैसे हमारी कॉटन होती है ना उससे थोड़ी सुपर वॉट होती है, बैम्बू सिल्क साड़ी या बैम्बू सूट जो है वो यहाँ सेल होते हैं, वो हर जगह नहीं मिलते, कुछ पर्टिकुलर शॉप है आपको बैम्बूज का वर्क वहीं मिलेगा, हर जगह नहीं मिलता। आपके गेट के बाहर एक आउटलेट है, ज़्यादा नहीं मिलेंगे बैम्बूज के। एंड लास्ट फेमस चीज़ आगे की है स्वीट्स पेठा, पेठे में सर दो ब्रांड है, एक है पंछी एक है प्राची, और पंछी नाम से आगरे में 90% पेठा नकली बेच रहे हैं, आप जगह जगह जाएंगे हर जगह पंछी 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 दिखाई देगा, कहाँ असली मिलेगा, और आपको रियल पेठा लेना है तो लेना प्राचीन का, उसकी एक पहचान है। अच्छा प्राचीन यही बाहर है जो, हाँ उसकी एक पहचान होगी, उसका एक ISO सर्टिफाइड नंबर होगा 9001:2015, जितने भी आउटलेट आगरा में होंगे सब पर ये नंबर होगा, जितने भी आउटलेट आगरा में। सेकेंड जो आपका डब्बा होगा उस डब्बे पर भी सर्टिफाइड नंबर होगा जो दुकान पर लिखा है। थर्ड नंबर जो डब्बा है आपका डब्बे पर जो बड़ी बड़ी शॉप्स आगरे में उनकी ब्रांचेस हैं, बड़ी ब्रांच उन ब्रांचों के नाम भी लिखे होते हैं, या ब्रांच आगरे में कहाँ कहाँ है उनकी। एंड फोर्थ नंबर सर जो कैरी बैग मिलेगा ना वो थैली भी, वो भी आपको कंपनी के नाम से मिलेगी प्राचीन नाम से। तो चारों चीज़ कहीं अगर टैली करती है ना तो ये मंथली आप असली पेठा लेके आ रहे हैं, तो नहीं करती हैं तो नकली का मतलब ये होता है पेठा, तो वो भी होता है पेठा, एक्चुअली फल को बोलते हैं हम लोग फल, पेठा एक फल है पबड़ा ना, पेठा उसका नाम है, तो पेठा वो भी सीताफल, सीताफल एक अलग चीज़ होती है, कोई हर जगह अलग अलग नाम बोलते हैं, कोई कोदू ऊपर से ग्रीन होता है प्योर ऊपर ग्रीन और अंदर प्योर वाइट होता है पूरा अंदर से। अच्छा हाँ, तो वो तो उसके अंदर वो डालते हैं वो सब उससे गलत होता है, तो उसमें हनी जो एक्चुअली क्या है जो नकली पेठा होता है ना, नकली में क्या है वो सैक्रीन डालते हैं, सैक्रीन से मीठा जल्दी होता है और सैक्रीन नुकसान भी करता है गले में, तो इसलिए हम लोग उसे बोलते हैं कि ऐसा पेठा है, लेकिन पेठा वो भी होता है फल, तो वो भी है, ऐसा नहीं है मैं कहूँगा फल नहीं है वो फल है, लेकिन वो ही है सैक्रीन से बनता है, इसलिए सस्ता होता है मीठा जल्दी करता है उनको, वो नुकसान करता हुआ है। तो आप इस गेट जहाँ पर आप लोग अभी आए हैं गेट के बाहर आउटलेट है कंपनी का प्राचीन का, वहाँ टेस्ट भी आता है पेठा, पेठा कई फ्लेवर में आता है ना आज के समय, पान पेठा चॉकलेट सैंडविच स्ट्रॉबेरी और गोले वाला पेठा कई तरह पेठे, तो वहाँ आप जो टेस्ट लेना चाहें वहाँ से आप लोग ले भी सकते हैं। प्राचीन